महेश की रथ यात्रा और श्री राम कृष्ण स्वामी तन्निष्ठानंद नागपुर। जैसे संसार में पुरी की श्री जगन्नाथ रथ यात्रा प्रसिद्ध है, वैसे ही बंगाल में महेश की रथ यात्रा प्रसिद्ध है। महेश की यह प्राचीन रथ यात्रा करीब 621 साल से जारी है। जिस तरह उड़ीसा के पुरी में हर साल भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है, उसी तरह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के श्री रामपुर के करीब महेश में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। श्री रामपुर के दक्षिण में है बल्लभपुर और उसके दक्षिण में है महेश। महेश की रथ यात्रा विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन रथ यात्रा है। यह रथ यात्रा सन 1396 से निकाली जा रही है। महेश रथ यात्रा महेश जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। श्री रामकृष्ण यहाँ कई बार गए हैं। यहाँ लगभग एक महीना मेला लगता है। इस मंदिर की एक पौराणिक कहानी है। ऐसा कहते हैं कि 14वीं सदी में बंगाल के दुर्वानंद ब्रह्मचारी नामक एक साधक थे। वे एक बार तीर्थ यात्रा पर जगन्नाथपुरी गए। उनकी इच्छा हुई कि स्वयं भोग बनाकर भगवान श्री जगन्नाथ को लगाया जाए, पर मंदिर के पुजारियों ने उन्हें वैसा करने नहीं दिया। वे निराश हो गए और मृत्यु तक उपवास करने का संकल्प ले लिया। तीसरे दिन उन्हें भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, दुर्वानंद तुम बंगाल वापस जाओ। भागीरथी के तट पर वहाँ महेश नामक ग्राम है, वहाँ मैं तुम्हें दारू ब्रह्म नीम की लकड़ी भेज दूंगा, उससे तुम मेरी बलराम तथा सुभद्रा की मूर्तियाँ बनवाना। मैं तुम्हारे हाथों से बना भोग स्वीकारने के लिए आतुर हूँ। दुर्वानंद स्वप्नदेश के अनुसार महेश आए और साधना में रत हो गए। तब यहाँ जंगल था, उन्होंने वहाँ रहने योग्य स्थान बनाया। कुछ महीनों बाद एक भयानक बरसाती रात में गंगा नदी में विराट दारू ब्रह्म नीम की लकड़ी दिखाई दिए। वे तुरंत जल में कूद पड़े और उन्होंने वह लकड़ी बाहर निकाली। उन्हीं लकड़ी से उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई और उन्हें छोटी सी झोपड़ी में स्थापित किया। अब वे भगवान को स्वयं भोग दे सकते थे। इस अद्भुत घटना के बाद छोटा सा मंदिर महेश जगन्नाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक कथा ऐसी भी है कि भगवान जगन्नाथ पुरी से महेश वहां की प्रसिद्धि मिहिदाना मिठाई एक प्रकार की बूंदी का खाने जाते हैं। पेट भरकर वह मिठाई खाने के बाद उनके पास दुकानदार को देने के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपना बाजूबंद केवर गिरवी रखा। जब पुरी के पुजारियों ने देखा कि भगवान का एक बाजूबंद नहीं है तो वे शुभ्ध हो गए। तब भगवान ने वह घटना बताई। उनके बाद मंदिर के लोग महेश जाकर उसे वापस लाए। इस घटना का वर्णन प्रसिद्ध बंगाली बालाबंध पाला नामक लोक कथा में है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राधा रानी नामक विख्यात उपन्यास में महेश के रथ यात्रा का सुंदर वर्णन है। उपन्यास की छोटी अंधी नायिका मेले में गुम हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के उपरांत पुरी से निकले। रास्ते में वे महेश आए। वहां के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करते ही वे गंभीर समाधि में लीन हो गए। उस जगह की महिमा की साक्षात अनुभूति कर उन्होंने महेश को नव नीलाचल घोषित किया। जब दुर्वानंद बूढ़े हो गए तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मंदिर की व्यवस्था का भार किसी दूसरे को सौंपने की विनती की। तब चैतन्य ने कमलाकर पिपलाई को मंदिर की व्यवस्था का भार सौंपा। कमलाकर ने अपने जीवन काल में ही महेश में रथ यात्रा आरंभ की। आज भी उनके वंशज श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। वह पुराना मंदिर तथा रथ आज अस्तित्व में नहीं है। नए मंदिर को कलकत्ते के पाथुरी घाट के नयन चंद मलिक ने सन 1344 में
₹20,000 खर्च कर बनवाया था। वह उड़ीसा के रेखा देउल पद्धति का एक साधारण मंदिर है। पुराने जो भगवान के विग्रह हैं, वे रथ यात्रा में नहीं ले जाते, पर भगवान के उत्सव चल विग्रह ले जाते हैं। रथ यात्रा के पूर्व जिस तरह पुरी में स्नान यात्रा आदि होती है, वैसे ही माहेश में भी होती है। पुरी में भगवान के विग्रह कुछ साल बाद बदलते जाते हैं, जिसे नवकलेवर कहते हैं, पर यहाँ वैसा नहीं होता। वही पुराने विग्रह आज भी पूजा में है। सन 1397 में श्री रामकृष्ण देव के शिष्य बलराम बसु के रिश्ते में दादा कृष्ण राम बसु ने एक बड़ा रथ दान में दिया था। सन 1835 में उनके पुत्र गुरु प्रसाद ने उस रथ का नवीनीकरण किया। कुछ साल बाद वह रथ जल गया। यह सिलसिला चलता रहा। अंत में दीवान कृष्णचंद बसु ने मार्टिन बर्न कंपनी द्वारा सन 1885 में धातु का रथ तैयार करवाया। वह रथ आज भी है। रथ 4 मंजिल वाला है। उसमें 12 पहिए और एक शिखर है। वह 50 फीट ऊंचा है और उसका वजन 125 टन है। रथ की पहली मंजिल पर चैतन्य लीला का वर्णन है। दूसरी ओर तीसरी मंजिल पर कृष्ण और राम लीला है। रथ के सामने ताम्र धातु के 2 घड़े लगाए जाते हैं। रथ यात्रा के पहले दिन जगन्नाथ जी को महाराज के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। ऊपरी मंजिल पर भगवान के उत्सव चल विग्रह रखे जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि पुरी में रथ खींचना आरंभ होते ही नीलकंठ पक्षी आकर उस रथ पर बैठता है, तभी पुजारी इस रथ को खींचने को कहते हैं। आजकल एक नीलकंठ पक्षी लाकर उस रथ पर बैठाते हैं। उसके उड़ जाने पर रथ यात्रा प्रारंभ होती है। श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा देवी, स्वामी ब्रह्मानंद, मास्टर महाशय, नाटककार गिरीश चंद्र घोष आदि भक्त माहेश पधारे थे। माहेश बलराम बाबू के पूर्वजों का गांव था। प्रायः हर साल श्री रामकृष्ण इस उत्सव में भाग लेते थे। ऐसा श्री अक्षय कुमार सेन श्री रामकृष्ण पुथी में लिखते हैं। एक बार जुलाई 1885 उल्टा रथ उत्सव में श्री रामकृष्ण नाव से माहेश पधारे। तब उनके साथ हरिपद, गोलापमा और पुजारी ब्राह्मण यज्ञेश्वर आदि थे। मंदिर के पास वाला कृष्ण राम बसु का 3 मंजिला भवन उनके विश्राम के लिए आरक्षित था। आज वह घर अस्तित्व में नहीं है। उस दिन ठाकुर के गले का दर्द कुछ अधिक ही था, इसलिए वे खिचड़ी प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर सके। जैसे ही भगवान जगन्नाथ वाद्यों की शोरगुल में रथ में विराजमान हुए, ठाकुर भावाविष्ट हो गए। आवेग बढ़ता गया, शरीर डोलने लगा। वे भावावेश में पहली मंजिल के बरामदे में आए और फिर घर के बाहर आकर रथ के पास आए। उनके पीछे पीछे भक्त भी आए। रथ को खींचने की रस्सी को पकड़ने के लिए वे भावावेश में भीड़ में घुसे। वे अनजाने में रथ के चक्के के सामने आ गए और समाधिस्थ हो गए। रथ खींचने वाले भक्तों ने डरकर रस्सी छोड़ दी। क्या आश्चर्य है कि रथ रुक गया। उस दिन ठाकुर का महाभाव भक्तों को मानो भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन दे रहा था। उनकी बाह्य संज्ञा लोप हुई थी। लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और उन्हें बाहर ले आए। भावावेश का थोड़ा ऊपर होने पर भक्त उन्हें कमरे में ले आए। दक्षिणेश्वर लौटने पर उनके गले का दर्द बहुत बढ़ गया था। स्वामी अद्भुतानंद लातू महाराज के संस्मरण के अनुसार उल्टे रथ के दिन माहेश जाने के लिए ठाकुर ने गिरीश चंद्र घोष को नौका की व्यवस्था करने के लिए कहा था। लाटू उनके साथ गए थे। आज उस मंदिर में श्री रामकृष्ण का एक फोटो रखा हुआ है, जिसकी प्रतिदिन
पूजा होती है। एक वर्ष रथ यात्रा के समय श्री मां शारदा देवी गणेन्द्रनाथ के साथ महेश गई। प्राय सारा दिन वहां रहकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और रथ रज्जू को पकड़कर रथ खींचा। फिर वे कलकत्ता लौट आई। इस दिन राधु और निताई बाबू की मां श्री मां के साथ मोटर गाड़ी में तथा योगिन मां इत्यादि स्त्री भक्त नौका द्वारा महेश गई थी। माताजी मोटर गाड़ी से जाने के लिए सहमत नहीं होती, क्योंकि एक बार महेश का रथ देखने जाते समय उनकी मोटर के नीचे एक कुत्ता दब गया था। परंतु भक्तों के आग्रह पर बारंबार ठाकुर को प्रणाम करने के बाद वे गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गई। 6 जुलाई 1916, इस दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज 40-50 भक्तों को लेकर महेश गए तथा रथ यात्रा का दर्शन किया। साथ में संकीर्तन दल में रहने तथा महाराज की उपस्थिति से आनंदमय परिवेश हो गया। एक बार गंगा जी के उस पार महेश की रथ यात्रा के दर्शनार्थ जाकर गोपाल की मां को सर्वभूतों में श्री गोपाल का दर्शन प्राप्त हुआ था तथा उससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई थी। वे कहा करती थी कि उस समय रथ पर विराजित श्री जगन्नाथ देव तथा जो व्यक्ति रथ खींचे एवं अपार जन समूहादि सब कुछ में उन्हें गोपाल दिखाई दिए। भेद केवल इतना ही था कि श्री गोपाल भिन्न भिन्न रूप धारण किए हुए थे। इस प्रकार श्री भगवान के विश्व रूप का दर्शनाभास प्राप्त कर प्रेमोन्मत हो जाने के कारण उस समय उनकी बाह्य चेतना नहीं रही। अपनी एक महिला मित्र के निकट स्वयं इस बात को कहते समय उन्होंने कहा था, उस समय मुझे अपना होश तक नहीं था, नाच कूद में मैं मस्त हो रही थी। महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय जब 4 वर्ष के थे तब उन्हें गंगा के उस पर वाले महेश की रथ यात्रा देखने ले गए थे। रास्ते में वे दक्षिणेश्वर के भवतारिणी के मंदिर में भी गए थे जो सद्य बना था। परवर्ती काल में वे भी महेश गए थे ठाकुर के पीछे पीछे। उन्होंने कहा था, ठाकुर महेश की रथ यात्रा देखने नौका से गए थे, हम लोग हावड़ा स्टेशन से रेल द्वारा गए थे, भक्त लोग उनको ढूंढ रहे थे। क्या आश्चर्य, वे रथ खींच रहे थे। रथ खींचने का अर्थ है मैं ईश्वर का दास हूँ। इस भाव को व्यक्त करना शास्त्र में है, रथे तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है इस देह रूपी रथ में ईश्वर के दर्शन करना, अर्थात इस मनुष्य देह में उसका लाभ कर यह तो सबके लिए सहज नहीं है। इसलिए लकड़ी के रथ में लकड़ी के ईश्वर विग्रहों में भगवान को देखना होता है। लोक कल्याण के लिए महापुरुषों ने यह सरल मार्ग बतलाया है, महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, जाकर फल फूलों से पूजा करनी चाहिए, रथ खींचना होता है, साष्टांग प्रणाम और भजनों की ताल पर नृत्य करना होता है। ठाकुर ने यह सब किया था। कृष्ण वसु के घर में ही ठाकुर रुके थे, वे बलराम बाबू के संबंधी हैं, उनका ही वह मंदिर है। ठाकुर गए थे तो भक्तों को भी जाना चाहिए। यह सब करने से ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम उत्पन्न होता है, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख मिलेगा। जय श्री राम कृष्ण।